दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, गेमिंग जोश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन, आप देख रहे हैं क्विक गेमिंग कंपैरिजन मोटो वन फ्यूजन प्लस का रियलमी 6 के साथ। प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा सा फर्क है दोनों स्मार्टफोन्स में, मगर हम ऐसे वेरियंट्स का कंपेरिजन करेंगे जहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा प्राइस। मोटो वन फ्यूजन प्लस 6+128 का जो ऑप्शन है वो आ रहा है 17,000 रुपीज में, और सिमिलरली यहाँ पर 6+128 का वेरिएंट रियलमी 6 में आपको मिलेगा 16,000 रुपीज में। तो 1,000 रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पर। रियलमी थोड़ा सा सस्ता है, मगर डिफरेंसेस क्या है गेमर्स के लिए? अगर आप गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हो कि मुझे एक फोन ये दोनों में से कंसिडर करना है, तो क्या क्या यहाँ पर डिफरेंसेस रहेंगे? पहली बात तो यहाँ पर रहेगी इसके चिपसेट में। तो यहाँ पर मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G विद एड्रेनो 618 GPU, जो कि काफी डिसेंट चिपसेट है विद 8 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मगर इसका जो ग्राफिक्स का यूजुअली जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो इस फोन के जीपीयू को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा मीडियाटेक का हीलियो G90T और उसके अंदर जो जीपीयू है वो है माली G76 MC4 GPU। ओवरक्लॉक्ड जीपीयू दिया है यहाँ पर मीडियाटेक ने रियलमी 6 के अंदर। तो यहाँ पर हम उस चीज का कंपेयर करेंगे, और दोनों के बैटरी परसेंटेजेस यहाँ पर 100% है। तो हम इसका एक क्विक बैटरी ड्रेन का टेस्ट करेंगे दिखाने के लिए कि कौन सा कितनी बैटरी ड्रेन करता है आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ गेमिंग। तो दोनों में हम पबजी मोबाइल स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखा दूंगा, और क्योंकि दोनों फोन्स में हम साथ में गेम नहीं खेल पाएंगे तो वैसे टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हो सिमिलर रहेंगे। और क्योंकि हम साथ में हम गेम नहीं खेल पाएंगे, तो मैं जब भी एक फोन में थोड़ी देर के लिए गेम खेल रहा हूँ उसके बाद आपको उसका टेम्परेचर दिखा दूंगा। और इसमें आती है 5000mAh की बैटरी, इसमें आती है 4300mAh की बैटरी, तो वो भी हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम सबसे पहले PUBG मोबाइल गेम को ओपन करेंगे साथ में, और देखेंगे कि कौन सा फास्टर ओपन करता है गेम को, तो किसकी ऐप लोडिंग स्पीड बेटर है। 3, 2, 1 को। तो दोनों में साथ में हमने टैप किया और ओपन किया है। अब देखेंगे कि गेम किस में पहले लोड होता है। तो यहाँ पर गेम का लोडिंग एटलीस्ट फास्टर था रियलमी 6 में बाई अ फ्यू सेकेंड्स, ज़्यादा नहीं बट थोड़े सेकेंड्स तो फास्टर था ही है, एंड वो एक एडवांटेज रह सकता है अगर आप ऐसे गेमर हो जो ये चीज़ें भी ज़्यादा नोटिस करते हो और सोचते कि हाँ मुझे ये भी फास्टर होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं पहले ग्राफिक सेटिंग्स में। तो ग्राफिक सेटिंग्स की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर? पहले तो हम अगर मोटो वन फ्यूजन प्लस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथ एंड अल्ट्रा का ही ऑप्शन है, उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा स्मूथ और एक्सट्रीम का। बट इस टेस्ट के लिए मैं इसको लेके जाऊँगा स्मूथ और एक्सट्रीम में थ्रू GFX टूल, क्योंकि हम सोच रहे हैं इसका एक फेयर कंपैरिजन होना चाहिए, दोनों में 60 FPS का गेम प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर स्मूथ एंड एक्सट्रीम आपको रियलमी 6 में मिल रहा है। तो अब मैं इसमें GFX टूल ओपन करता हूँ, एंड GFX टूल में तो अब हमने इसको 60 FPS पर कर दिया है। चलो दोनों में हम साथ में अब गेम्स खेलेंगे, और आपको थोड़ी देर के लिए मैं दिखाऊंगा कि क्या इसके दोनों के परफॉर्मेंसेस हैं और कैसा है इसका जायरोस्कोप रेस्पॉन्स। यहाँ पर स्मूथ एंड एक्सट्रीम का वो ऑप्शन आ चुका है। तो दोनों सिमिलर ग्राफिक्स में हम खेलेंगे थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस। और दोनों का स्पीकर आउटपुट हम रखते हैं 50% पर, क्योंकि हेडफोन्स में तो नहीं खेल रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर स्पीकर में हम अगर फेयर रखें दोनों को तो सेम आउटपुट पर रखेंगे। और थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग रूम में जाकर हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग रूम इसका। तो पहले हम थोड़ी देर के लिए इसको खेलते हैं मोटो वन फ्यूजन प्लस के अंदर। तो यह है इसका नॉन जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस, जहां पर हम विदाउट जायरोस्कोप खेल रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कैसा रहेगा। तो अगर हम जायरोस्कोप इसका स्टार्ट करते हैं, और वहां पर अगर आप देखो तो यहां पर भी ट्रेनिंग रूम चल रहा है, तो पीछे की तरफ वो भी एक्टिवेटेड ही है। इसको ऑलवेज ऑन करते हैं, और जैसे मुझे लास्ट टाइम भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैं इसको 300% रख रहा हूँ नोस्कोप के ऊपर, एंड 3x 226 एंड 6x को भी बढ़ा देता हूँ, और मैं करता हूँ इसको अराउंड 226 ही रखूँगा इसको भी। वैसे मैं जैसे पहले भी कहा था कि जायरोस्कोप का कभी प्रैक्टिस नहीं है, तो जैसा भी रहेगा आप खुद ही जज कर सकते हो तो अच्छा है, बट
आपको यहाँ पर पता चलेगा तो बेटर रहेगा खुद ही। तो ये इसका जायरोस्कोप है, अभी तो ये फुल नोस्कोप में 300% है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिले है। अगर हम इसको कल कंपेयर करें थे पोको X2 और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के साथ, आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो अभी जाके चेक कीजिए, हमारे चैनल में ऑलरेडी वो लाइव है, बट यहाँ पर वो है स्लो, वो तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी जायरोस्कोप के लिए हम ट्राई करते हैं कैसा होगा। तो ये था अराउंड 4 मिनट से 5 मिनट के बीच का गेम प्ले मोटो 1 फ्यूजन प्लस में। अभी और 1-2 मिनट के बाद खेलने के बाद मैं इसका टेम्परेचर दिखा दूंगा। वैसे अभी तो इतना हीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं हर बार कहता हूँ ये क्लासिक गेम नहीं है। क्लासिक गेम में होता तो अलग बात होती, ये क्लासिक नहीं है। और ये है ट्रेनिंग रूम क्लासिक का, हम अगर आप चाहो तो अलग से ट्राई करेंगे वीडियो बनाना। और ये भी याद रखिए कि हम अभी जो खेल रहे हैं मोटो वन फ्यूजन प्लस में गेम, ये है स्मूथ और एक्सट्रीम थ्रू GFX टूल, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो नहीं मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा स्मूथ एंड अल्ट्रा। ये जो GFX टूल है तो इसके हीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैटरी का ड्रेन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो भी ध्यान में रखिए। और जब हम गेमिंग की ही बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो इसका होता है मोटो वन फ्यूजन प्लस में, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो वो काफ़ी वियर्ड सिचुएशन है, लोगों को जिनको स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन चाहिए वो यहाँ पर तो मुझे अभी तक मिला नहीं है, और कहीं पर ऑप्शन है नहीं। एंड रियलमी में सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर होने का एडवांटेज नहीं, उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको इन गेम ऑडियो के साथ साथ माइक्रोफोन का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अब इसको मैं साइड रखता हूँ, उससे पहले टेम्परेचर भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर टेम्परेचर 39.3 डिग्री 39.4 एंड तो 39 डिग्रीज के आसपास पहुंचा है, और पीछे की तरफ 40.6 हमको अभी दिखा था, नहीं 41 क्रॉस कर गया है, तो ये 41 डिग्रीज पहुंचा है। एंड ये याद रखिए थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो सकता है रियल में, बिकॉज उसमें ऑलरेडी गेम चल रहा था और मैंने स्टार्ट नहीं किया इसमें खेलना। सबसे पहले और बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम अपडेट आउटपुट था दोनों में, और वहाँ पर रियल में 6 का वॉल्यूम आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है जब हम इसको कंपेयर करते हैं मोटो वन फ्यूजन प्लस में, तो वॉल्यूम आउटपुट इज़ बेटर ऑन द रियल में 6। तो अगर आप ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि स्पीकर आउटपुट किसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो ये क्लियर रहेगी बात कि रियल में 6 इज़ बेटर इन स्पीकर आउटपुट। जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर क्लासिक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने क्लासिक खेला नहीं है, बट ट्राई करेंगे। अगर आप ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हो कि क्लासिक गेम दिखाऊं मैं, तो वो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरा इंटेंशन मेनली ये है कि आपको मैं बैटरी ड्रेन और हीटिंग का स्टैट्स दिखा दूँ। अब इसमें अगर हम जायरोस्कोप ऑन करते हैं ऑलवेज ऑन, एंड ऑलवेज ऑन में जाके सेंसिटिविटी को मैं 3rd नोस्कोप 300 एंड 3x स्कोप को मैं रखूंगा 226 पर, जस्ट मैच करने के लिए दोनों को 6x को और 3x को। तो सिमिलर कंडीशंस रहेंगे अब दोनों में, और यहाँ पर लोग मजे लेते हुए तो कंडीशंस तो सिमिलर रहेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो
अब इसके ही कंपैरिजन में ये इतना स्मूथ नहीं था मोटो वन फ्यूजन प्लस, बट यहाँ पर रियलमी सिक्स का जो गायरोस्कोप का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्मूदर है, वो काफ़ी ईजिली यहाँ पर शेक आपको दिखेगा। अब इसको मैं 3x पर रख के ट्राई करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था गायरोस्कोप का यहाँ पर जजमेंट मेरे हिसाब से तो मतलब मत जाए, आप खुद ही यहाँ पर जज कर लें। सिक्स एक्स पर भी सिमिलर रहेगा तो वो भी ट्राई करते हैं। तो वैसे फ्रैंकली अगेन जायरोस्कोप के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर रियलमी सिक्स बेटर लग रहा है इन अ वे रेस्पॉन्स के हिसाब से। तो काफ़ी स्मूथ है रियलमी सिक्स में भी, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि ये हीट ज़्यादा होता है, तो अगर आप हीटिंग एक फैक्टर कंसीडर करते हो तो मैं कह सकता हूँ कि रियलमी सिक्स काफ़ी हीट होगा, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है क्योंकि हीलियो G90 काफ़ी हीट होता है चिपसेट, इवन दो उसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि लैग्स नहीं है कुछ नहीं है, तो वो एक अलग बात है, बट हीट होने के साथ साथ हीट एक ही इश्यू नहीं होता, और एक इश्यू ये रहता है कि जब फ़ोन हीट हो रहा है बैटरी हीट हो रही है तो ड्रेन ज़्यादा होती है बैटरी, तो वैसे भी बैटरी कैपेसिटी कम है उसके साथ साथ ड्रेन होना एक दिक्कत की बात हो सकती है, मगर इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ये फ़ोन चाहिए जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स हो स्मूथर एक्सट्रीम के, और ऐसा फ़ोन नहीं जहाँ पर मैं GFX टूल यूज़ करके फोर्स करूँ उसको, बट उसके साथ साथ अगर आप ओके है कि यार बैटरी ड्रेन होगी ज़्यादा तो चलेगा मुझे, और हीट भी होगा तो मैं उसको यूज़ कर दूँगा फिर भी, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको लगेगा कि यार GFX टूल के साथ मैं चला लूँगा और मुझे उसी टाइम हीट नहीं होना चाहिए और बैटरी ज़्यादा चलनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मोटो वन फ्यूजन प्लस आपका चॉइस हो सकता है, बट लेट्स सी बैटरी कहाँ तक जा रही है, थोड़ी देर के गेमिंग के बाद ही पता चलेगा कि बैटरी का यहाँ पर बैटरी का टोटल ड्रेन कितना है। बट फ्रेंकली ऐसा नहीं है कि मतलब सिमिलर होगा, वैसे भी ड्रेन शायद ज़्यादा हो, बट लेट्स सी कहाँ तक जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर टाइम तक हमने गेम खेल लिया है इसमें। अब एक काम करते हैं, हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, तो टेम्परेचर्स यहाँ पर क्लियरली ज़्यादा ही होंगे, तो ये तो आप वैसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 43 डिग्रीज आगे की तरफ ही क्रॉस कर गया था जो 39 के आसपास था मोटो वन फ्यूजन प्लस में, और पीछे की तरफ ये 44.5 या 45 डिग्रीज क्रॉस कर गया है। एक दो डिग्री ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि यार ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस फोन बीइंग एक्टिव फॉर मोर टाइम, मतलब क्योंकि हमने स्टार्ट से ही ये फ़ोन को चालू रखा था और उसके बाद इसमें गेम खेलना शुरू किया था, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट देन ये फ़ोन वैसे भी पहले भी हीट हो रहा था, आपने अगर हमारे दूसरे वीडियोस पहले वाले वीडियोस देखे थे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन तो काफ़ी हीट हो ही रहा था, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा हीट। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा, मोटो वन फ्यूजन प्लस या रियलमी सिक्स, पहले बैटरी चेक कर लेते हैं इसकी। रियलमी सिक्स यहाँ पर बैटरी रहेगी रियलमी सिक्स की 92%, तो 92% तक बैटरी आ गई है रियलमी सिक्स में, और मोटो वन फ्यूजन प्लस में कहाँ तक आई है, मोटो वन फ्यूजन प्लस में 95%। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हो सेम टाइम ऑफ गेम प्ले और यहाँ पर बैटरी ड्रेन ज़्यादा है रियलमी सिक्स में, जो कि क्लियर था, जो कि वैसे भी एक्सपेक्टेड था, तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा रहेगी रियलमी सिक्स में, मगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रियलमी सिक्स में है जो है 30 वॉट फास्ट चार्जिंग कम्पेयर टू 18 वॉट फास्ट चार्जिंग ऑफ मोटो वन फ्यूजन प्लस। तो यहाँ पर मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, ग्राफिक सेटिंग्स बेटर यहाँ पर है बाई डिफॉल्ट विदाउट एनी फोर्स, यहाँ पर बैटरी लाइफ ज़्यादा है और हीटिंग कम होता है मोटो वन फ्यूजन प्लस, मगर इन केस आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है जल्दी और वैसे भी आप ब्रेक्स लेते हो और सोचते हो कि मेरा फ़ोन जल्दी से चार्ज होना चाहिए, तो वो रहेगा रियलमी सिक्स के अंदर। तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहेगा आपके चॉइसेस के हिसाब से। अगर आप इसका फुल गेम प्ले के साथ रिव्यू चाहते हैं या एक कंपैरिजन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा इसका एक गेम प्ले के साथ करूंगा जहां पे दो प्लेयर्स हम साथ बैठे हैं और ट्राई करते हैं कि बैटरी ड्रेन कितना है। ये जो ट्रेनिंग रूम में इसलिए गया था सो दैट मैं जायरोस्कोप का भी परफॉर्मेंस दिखा दूँ, जो मुझे बेटर लगा रियलमी सिक्स में।
तो ये था कंपैरिजन मोटो वन फ्यूजन प्लस और रियलमी 6 का गेमिंग कंपैरिजन, जहां पर आपको पता चला कि कौन सा है बेटर गेमिंग डिवाइस इन दोनों में से। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।